सुबह बेल वृक्ष का दर्शन करने से महापातक नष्ट हो जाते हैं। भ्रूण हत्या, गर्भ में बच्चों को मर जाना नारी के लिए बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इतना बड़ा अपराध भी बेल पत्र का, बेल वृक्ष का दर्शन करने से समाप्त। ताली मत बजाना, कितनी भी मजबूत बात हो। इतनी बड़ी इसकी भैया महिमा का वर्णन किया। बेल वृक्ष के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखी, भगवान के ऊपर इसको चढ़ाते रही, आंख फूल और बेल पत्र चढ़ाने से महादेव के ऊपर लक्ष्मी की वृद्धि होती है, कंगाली खत्म हो जाती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। बेल की तीनों पत्तियों पर श्री लिख दो गोरोचन और चंदन से, और फिर उसको भगवान के ऊपर आप चढ़ाइए। महाघोर गरीबी समाप्त हो जाएगी। पूर्व काल में ऋषियों ने, संतों ने दो चीजों से सोना बना के तैयार कर दिया, क्या? ताम्र धातु और बेल पत्र। बेल के द्वारा, बेल पत्र और तांबे की धातु से एक ऐसा विशेष प्रयोग किया गया, संतों ने उससे स्वर्ण बना के तैयार कर दिया। एक बड़ी आनंद की बात कही गई है, जो बेल पत्र का रस और तांबे के पात्र का जल पीते हैं और दोनों चीजें यदि एक साथ मिल जाए तो स्वर्ण भस्म लेने का जितना प्रभाव है, बेल और ताम्र को स्वीकार करने का वही प्रभाव जब जाता है। तो बेल पत्र का रस और ताम्र का पानी दोनों मिलते हैं तो वो स्वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। ये लिखने लायक बात है, पर आप लिखेंगे। बेल की पत्तियां चबाना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन दो पत्तियां ऐसी हैं जिनको भगवान को चढ़ाए बिना चबाने का अधिकार नहीं है, एक तुलसी और एक बेल पत्र। बेल पत्र को भी महादेव पर चढ़ाने के बाद ही लीजिए उसे, और तुलसी पत्र को भगवान पर चढ़ाने के बाद ही उसको अपने प्रयोग में लीजिए। बेल पत्र का रस और ताम्र के धातु का पानी दोनों मिलकर के ये स्वर्ण रूप धारण कर लेते हैं। पहले महात्मा लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे, रात में ताम्र के धातु का पानी दोनों मिलकर के ये स्वर्ण रूप धारण कर लेते हैं। पहले महात्मा लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे, रात में वो तांबे का पानी और उसमें दो चार पांच पत्तियां बेलपत्र की डाल दी उन्होंने, और सुबह उस जल को पिया और वह जल स्वर्ण भस्म का काम करता है। ऐसा पानी गांठों में दर्द नहीं होने देता, पेट में गैस नहीं बनने देता। ये बेलपत्र की पत्ती पानी में ताम्र के लोटे में आपने डाली, रात भर पत्ता डला रहा और सुबह उस जल को आपने पिया है, तो ये स्वर्ण भस्म का काम करता है। पूर्व काल में संतों ने बेल की पत्ती और तांबे की धातुओं के द्वारा स्वर्ण सोना बना के तैयार किया। इतनी बड़ी उपलब्धि है ये।